रानीश्वर के आदिकाल से पक्की सड़क और आंगनबाड़ी सुविधा से वंचित रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत ताल डंगाल पंचायत के ग्राम आमझरी के ग्रामीणों में आज समाज सेवी हाबिल मुर्मू को अपनी व्यथा सुनाई और ग्रामीणों ने बताया कि बहुल आदिवासी ग्राम आमझरी स्कूल टोला और मांझी टोला का मुख्य आवागमन ग्रामीण पथ है। दूसरी 3.5 किलोमीटर आदिकाल से पथरीले उबड़ खाबड़ छोटे बड़े गड्ढे नुमा जर्जर स्थिति पर है। ग्रामीणों ने बताया कि बहुल आदिवासी ग्राम आमझरी स्कूल टोला और मांझी टोला का मुख्य आवागमन ग्रामीण पथ दूरी 3.5 किलोमीटर आदिकाल से पथरीले उबड़ खाबड़ छोटे बड़े गड्ढे नुमा जर्जर स्थिति पर है। दुमका सिउड़ी सड़क मार्ग पर स्थिति बागनल के साल टोला जीवनपुर सड़क मार्ग के चड़का पाथर स्कूल मोड़ से ग्राम आमझरी तक के इस ग्रामीण पथ पर विशेषकर बारिश मौसम में साइकिल दोपहिया वाहन सहित पैदल आना जाना भी बहुत मुश्किल होता है। जर्जर हालत के कारण दैनिक आवागमन बहुत कष्टदायक होता है, जिसके कारण बीमार व्यक्तियों के लिए एम्बुलेंस सेवा नसीब नहीं हो पाती है। उन्होंने आगे बताया कि कई बार जनप्रतिनिधिगणों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। इस ग्रामीण पथ का यथाशीघ्र पक्कीकरण की आवश्यकता है। ज्ञात है कि आदिकाल से आमझरी ग्राम के ग्रामीण लाभुकों को 3.5 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित पड़ोसी ग्राम चड़का पाथर से टैग किया गया है, जिसके कारण गर्भवती धात्री माताओं और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सेवा सुविधा और पोषाहार से वंचित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि विगत 4 से 5 वर्ष में स्थानीय प्रशासन को लिखित आवेदन देकर आंगनबाड़ी केंद्र मांग किए जाने के बावजूद भी कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इस मौके पर समाज सेवी हाबिल मुर्मू ने आमझरी ग्राम के ग्रामीणों के व्यथा पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 द्वारा दिए गए प्रावधान अनुरूप हर एक 500 मीटर दायरे पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का प्रावधान के बावजूद भी बहुल आदिवासी ग्राम आमझरी के ग्रामीणों को वंचित किया गया है। जमा हुए हैं आप लोग, क्या चाहते हैं और क्या दिक्कत है आप लोग को? मैं हाबिल मुर्मू सिकाईपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ओर से एक समाज सेवी के तौर पर यहाँ रानीश्वर प्रखंड के तालडगाल पंचायत अंतर्गत आमझरी गांव आया हूँ। ग्रामीणों के विशेष निवेदन पर यहाँ आया हूँ और इन्होंने आज अपना तकलीफ हमें सुनाने का काम किया। इनका सबसे बड़ा समस्या है आमझरी ग्राम में आदिकाल से इनके लिए सड़क व्यवस्था नहीं है और आंगनबाड़ी सेंटर इनका गांव से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूरी पर चड़का पाथर गांव में अवस्थित है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं को बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर जाने के लिए बहुत असुविधा हो रहा है। बीमार व्यक्तियों को एम्बुलेंस का सेवा यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी दुख की बात है, झारखंड बनने के बाद 24 साल हुआ और झारखंड में सबसे अधिक भाजपा और JMM की सरकार बनी और आज तक संताल आदिवासी गांव सरकारी विकास से वंचित रह गया। खासकर हमारा आमझरी गांव काफ़ी लोग चिंतित हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। मैं हाबिल मुर्मू एक समाज सेवी तौर पर मैं जिला प्रशासन से झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र आमझरी ग्राम के लिए 3.5 किलोमीटर जो यहां से बागनल से सालतला मोड़ तक जो रास्ता जाती है संपर्क रास्ता 3.5 किलोमीटर इनके लिए पक्का रास्ता बनाने का काम हो। देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रहने के बावजूद भी आज तक हमारे आदिवासी गांव सड़क से वंचित हैं, काफ़ी दुख की बात है। इसको लेकर के पूरे गांव के आदमी आज यहां जमा हुए हैं और मांग कर रहे हैं और इस जमावड़ा के तहत इस जनसभा के तहत स्थानीय प्रशासन जिला प्रशासन प्रखंड प्रशासन और झारखंड सरकार के को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें यथाशीघ्र सड़क सुविधा चाहिए। यदि सड़क सुविधा नहीं देगी तो हम लोग आगामी दिन जिला प्रशासन में जिला उपायुक्त को घेरने का काम करेंगे।